एल्विश यादव हुए हैं बिग बॉस के घर में अनकंफर्टेबल। अब आखिर ऐसी क्या चीज हुई है जिस वजह से एल्विश यादव को अनकंफर्ट फील हुआ है? वेल, बताते हैं आपको इस वीडियो में। आशिका भाटिया और एल्विश यादव की फाइट तो आपको याद ही होगी भाई। यूट्यूब पर एक काफी बड़ी वॉर साबित हुई थी इन दोनों की लड़ाई, जो इंस्टाग्राम से लेकर हर ओर फैल गई थी, बिग बॉस के घर तक आ गई, क्योंकि बिग बॉस के घर में भी इन दोनों को एज राइवल सोच के ही इनवाइट किया गया था। लेकिन ये तो घर के अंदर आने के बाद दोस्त बन गए हैं। लेकिन एल्विश यादव को आशिका भाटिया के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। दरअसल ये बात है कल के लाइव फीड की, जब मनीषा रानी, अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव और आशिका भाटिया सब गार्डन में बैठे होते हैं, और उस वक्त मनीषा बैठी होती हैं अभिषेक के साथ, और वहीं आशिका और एल्विश एक काउच पर बैठे होते हैं। वहीं अभिषेक इन दोनों को लेकर मजाक करने लगते हैं कि भाई तुम दोनों ऐसे कैसे रहते हो, हालांकि तुम्हारी लड़ाई हुई थी पर वो बाहर थी ना, यहां तो दोस्त बन जाओ। तो उसके बाद आशिका भाटिया थोड़ा सा अपनी ओर से एफर्ट करते हुए एल्विश यादव के कंधे पर सर रख लेती हैं। उसके बाद एल्विश यादव के चेहरे पर एक अनकंफर्टनेस साफ दिखाई देती है। इनफैक्ट वहां से वापस आने के बाद वो अभिषेक से ये बात भी करते नजर आते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे ये चीज काफी ज्यादा गलत लगती है, लेकिन अगर मैं ये बात कैमरा पर बोल दूंगा तो लोग सोचेंगे मैं छोटी सोच का हूँ, लेकिन मुझे सच में अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी बिना परमिशन के मुझे छुए या मुझसे चिपके। ये बात बोलते हैं एल्विश यादव अभिषेक से, और अभिषेक कहते हैं कि अगर ऐसा है तो भाई तू उसे बोल दे कि देख थोड़ा सा दूर रहा कर। तो एल्विश कहते हैं यार ऐसा बोल भी तो नहीं सकते, क्योंकि फिर लोग सोचेंगे मैं छोटी सोच का हूँ और मैं तो वैसे भी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो अभिषेक कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा, तूने अभी मुझे बताया, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा कि लड़का थोड़ी दूरी बनाकर रखना पसंद करता है। आपको बता दें अभिषेक ही एल्विश और आशिका की टांग खींच रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि भगवान जी प्लीज ये फोटो वायरल कर दो कि मैंने बिग बॉस के घर में आशिका और एल्विश की दोस्ती करा दी। इस पर आशिका कहती हैं कि भाई हम तो पहले से दोस्त हैं, क्यों एल्विश, है ना। उनका फेस ये साफ बता देता है कि आशिका जब उनके साथ इस तरह से क्लोज होती है तो उन्हें कितनी अनकंफर्टनेस फील होती है। वहीं अगर बात करें फैंस की, तो एक फैन ने ये कहा कि भाई अपना लड़का देसी है, थोड़ा सा दूर रहा करो। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि देखो अब अभिषेक जाकर ये बातें आशिका को बता देगा। वेल दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है एल्विश यादव की इस अनकंफर्टनेस पर और अभिषेक की एडवाइस पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट, और बिग बॉस से जुड़ी हर अपडेट के लिए फिल्मी बीट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।